हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और आपको आज जो दिखाने आ गए हैं वो पोषण माह है। पोषण माह आयोजित किया गया है बाल विकास परियोजना कार्यालय एकमा द्वारा और ये सारण जिला अंतर्गत आते हैं। तो इसमें क्या क्या किया जाता है पोषण माह के अंतर्गत वो हम दिखाएंगे और साथ ही आपको इससे अवगत कराएंगे कि इससे क्या फ़ायदा होने वाला है और क्या क्या चीज़ें जो हैं ICDS बेनिफिशरी को उपलब्ध कराती हैं। तो हम फोकस करना चाहेंगे कैमरामैन को कि देखें, थोड़ा इधर दिखाएं क्या क्या इधर सज्जो सज्जा किया गया है और सज्जो सज्जा से अवगत कराएंगे आपको। देखिए, इतनी सारी सुविधाएं दी जाती है ICDS के द्वारा और ICDS इतना बेहतर कार्य कर रहा है कि आज पोषण परामर्श केंद्र लगाया है। थोड़ा पोषण परामर्श केंद्र दिखाइएगा ऊपर। यहाँ पे देखिए क्या क्या सुविधाएं दी जाती है। पोषण परामर्श केंद्र के अंतर्गत जो होता है, माँ बच्चे को संपूर्ण परिवार के पोषण से संबंधित सुविधाओं का निराकरण हेतु परामर्श लगाया जाता है। इधर प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जो है वो भी समेकित बाल विकास कार्यालय में ही समायोजित है। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान भी इसी में समाहित है। पोषण के जो 5 गुण है उसको भी प्रदर्शित किया गया है। यहाँ मातृ वंदना सप्ताह का भी आयोजन किया गया है। तो इस सारे ओकेजन को आज यहाँ प्रदर्शित किया जा रहा है पोषण माह में, यानी कि 1 सितंबर से 30 सितंबर तक जो पोषण माह आयोजित हो रहा है उसको परियोजना स्तर पर एक मेला का रूप दिया गया है। तो मेला के रूप में हम लोग आज समायोजित यहाँ पर सम्मिलित हुए हैं और देखेंगे कि इसमें क्या क्या होना है। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी भी हमारे समक्ष मौजूद होंगी और उनसे भी कुछ सीखेंगे कि इससे क्या लाभ होने वाला है, इसका क्या फ़ायदा है, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। थोड़ा सा देखिए, इधर सेविका लोग भी आई हैं तो इन लोग का भी प्रतिक्रिया हम लोग लेंगे कि इन लोग के अपना दायित्व निभाती हैं कि नहीं, ये सारा चीज़ हम लोग जानेंगे। इधर दिखाइए थोड़ा सा इधर भीड़ को, ये सारी सेविकाएं आई हैं पोषण माह में सम्मिलित होने के लिए। देखिए इतनी सारी मतलब चहल पहल है कि पोषण माह को इतना बढ़ चढ़ के मनाया जा रहा है। अनुरोध है कि आप अगर मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो ICDS का लाभ यहाँ पे जितने प्रदर्शित किए गए हैं उसको नियमानुसार आप भी उपभोग करिए। चलिए बनते हैं आगे, थोड़ा सा देखेंगे क्या क्या यहाँ पे हो रहा है। वीडियो में बने रहिए, आगे दिखाएंगे आपको। चलिए देखिए यहाँ पे जो सुविधाएं ICDS की दी जाती है वो देखिए, ABCD भी दिखाया गया है, ए से एप्पल, बी से बॉल, सी से कट, ये सारी सुविधाएं आंगनबाड़ी केंद्र पर बच्चों के लिए होती है। यहाँ पे वजन मशीन रखा गया है, इससे बच्चों का वजन का माप किया जाता है। फिर यहाँ देखिए नीचे है, थोड़ा इसको निकाल नहीं सकते हैं, यहाँ पे हाइट मापा जाता है, इससे बच्चों की लंबाई का माप किया है। यहाँ एडल्ट वेट मशीन है, बड़े का माप कैसे किया जाता है। ये खिलौना देखिए, ये खिलौना भी ICDS आंगनबाड़ी केंद्र पर मौजूद कराता है, यानी आपके बच्चे जाएंगे खेल खेल में पढ़ाई करेंगे, खेलते हुए खेल का माहौल तैयार करके और आंगनबाड़ी संचालन किया जाता है। इतनी सुविधाएं आंगनबाड़ी द्वारा की जाती है। ये देखिए यहाँ पे सहजन का पत्ता लगाया है, इसका मतलब भी कुछ ना कुछ ये जड़ी बूटी में आती है। जहाँ तक मुझको ज्ञान है कि इसको BP कंट्रोल में दिया जाता है। फिर आगे हम देखेंगे किसका क्या महत्व है वो चीज़ हम जानेंगे। यहाँ देखिए तुलसी का पेड़ रखा गया है, तुलसी का पेड़ जो होता है वो समझ लीजिए वरदान होता है। ये 24 आवर ऑक्सीजन देता है, इसका रिलीजिंग पावर 24 आवर ऑक्सीजन होता है। सुधा दूध का भी उपलब्ध कराता है, जो ICDS है वो सुधा दूध भी उपलब्ध कराता है। चावल दे रहा है, हरी सब्जी दे रहा है, दाल है, पुलाव। पुलाव जो होता है वो आंगनबाड़ी केंद्र पर बच्चों को खिलाने के लिए बनाए। ये देखिए ये सारी रेसिपियाँ जो है वो सारी की सारी रेसिपी पूरे सप्ताह में बनाकर आंगनबाड़ी केंद्र पर बच्चे को इससे लाभान्वित किया जाता है। यहाँ पे देखिए ये एक सब्जी लगाई गई है, सोया बड़ी सब्जी। सोया बड़ी सब्जी का महत्व आप समझिएगा कि बच्चे जो अति कुपोषित या कुपोषित होते हैं तो उनको ये खिलाने के लिए बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। इसमें हाई प्रोटीन होने के कारण बच्चे को कुपोषित और अति कुपोषित से बाहर निकाला जाता है। और यहाँ पे ब्रेश जी थोड़ा दिखाइएगा, ये देखिए यहाँ पे पोषण माह के तहत ये भी प्रदर्शित किया गया है कि कौन कौन सी मटेरियल से क्या क्या फ़ायदा और किस किस मटेरियल का यूज होना चाहिए वो सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। फल देखिए, ये फल जो है जहाँ तक मुझको ज्ञान है इसके बारे में है कि बच्चे को सप्ताह में जो दिवस निर्धारित है उसके अनुसार ये फल
बच्चों को नाश्ता में दिया जाता है, इतनी सुविधाएं ICDS दे रही है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, थोड़ा सा इधर फोकस करिए, देखिए गोद भराई के लिए भी यहाँ पे गर्भवती महिला को बुला के रखा गया है, आज गोद भराई का भी आयोजन किया जाएगा। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में आपको अवगत कराएंगे, सब कुछ दिखाएंगे, आपको उल्लासित करेंगे इस वीडियो में। आप भी उल्लास के माहौल में रहिएगा, आज पोषण माह का आप भ्रमण कर रहे हैं। तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग, फिर CDPO मैडम से हम लोग कुछ जानकारी लेंगे इसके बारे में कि पोषण माह का आयोजन क्यों किया गया है और इससे बेनिफिशरी को क्या लाभ होगा, ये चीज़ जानेंगे। मैडम आप थोड़ा सा इस पर फोकस करिए कि पोषण माह क्यों आयोजित किया गया और इससे लाभुक को जो है वो क्या लाभ होता है, इससे ICDS इसको क्यों आयोजित कर रहा है, इसके बारे में आप दो शब्द बताइए थोड़ा सा। ये पोषण माह हर साल की तरह इस साल भी हुआ है, ये एक महीने का कार्यक्रम है और इसमें तरह तरह का एक्टिविटी होती है। ये खासकर पहले तो पोषण मेला लगता था, कोरोना के बाद से इसको पोषण परामर्श केंद्र के रूप में बदल दिया गया है और हर परियोजना में पोषण परामर्श केंद्र बनाकर स्टॉल लगा के और जितने भी गर्भवती प्रसूति या बच्चे हैं, दूध पिलाने वाली माँ है, सबको बुला के उसको क्या क्या आवश्यकता है पोषण से संबंधित उसको जानकारी दी जाती है। और ये जो पोषण परामर्श केंद्र है ये 1 से 30 तक संचालित करना है और फिर ये पंचायत लेवल पे भी पोषण परामर्श केंद्र का ये तैयारी आयोजन करना है और इसी जैसे यहाँ पे हो रहा है ये परियोजना स्तर पे, उसी तरह सभी सेविका को LS को सेक्टर वाइज करके पोषण परामर्श केंद्र पंचायत लेवल पे आयोजित कर जो भी आपका पारंपरिक भोजन है, पारंपरिक भोजन के बारे में बताना उसका कितना महत्व है और फिर जो हम लोग केंद्र पे बच्चे को देते हैं उसका भी सभी लाभुक वर्ग को बताना कि क्या क्या हम लोग वो देते हैं और इससे क्या फ़ायदा है, ये सारी जानकारी देना। और फिर ये हम लोग ये भी बताएंगे कि गर्भवती को हम लोग 7वें माह से गोद भराई करते हैं और उसके खान पान के बारे में जानकारी देते हैं, फिर वो 180 टेबलेट जो 4th महीना से खा आयरन की गोली लेना है इसकी भी जानकारी देते हैं, फिर वो बच्चे होने के बाद 180 टेबलेट उसके बाद भी खाना है आयरन की गोली इसकी जानकारी देते हैं, फिर अन्नप्राशन का भी आयोजन कर और उसका कैसे उसका रेसिपी बनाया जाए इसके बारे में तैयार करके पंचायत लेवल पे सभी लाभुक वर्ग को बताना है कि वो खिचड़ी यदि बनाना है तो कैसे बनाना है, खिचड़ी में क्या देना है, चावल दाल और सब्जी उसको खूब गला के बना के उसके बाद उसमें निकाल के 3 टाइम बच्चे को खिलाना है और ये सेविका जो भी है उसको फॉलो अप करते रहेंगे कि हम अन्नप्राशन कराएं तो उसका लाभ है कि नहीं, हाँ हुआ या नहीं, यदि बच्चे को खिला रहे हैं कि नहीं, सिर्फ ये नहीं कि दिखाने के लिए हम लोग अन्नप्राशन कर दिए उसके बाद उसका फॉलो अप नहीं किए, काहे कि कई जगह हम लोग मुझे लगता है मैडम कि जो होम विजिट किया जाता है वो इसीलिए किया जाता है सेविका द्वारा कि हमने जो कार्य किया उसका अनुपालन हमने जो किया उसका धरातल स्तर पर फायदा दिख रहा है या नहीं, नहीं। हाँ यही होम विजिट का यही मकसद है कि ये जाके देखें कि वो अन्नप्राशन किए या टीकाकरण लिए ने जो टीटी का पढ़ना है जैसे गर्भवती का 4 हेल्थ चेकअप है वो की कि नहीं, टीटी उनको लेना है टीटी ली कि नहीं, आयरन की गोली खाना है 180 खाई कि नहीं, जैसे आज ही हम लोग गए थे एक जगह तो वहाँ बोली 20 टेबलेट 6th महीना था बोली मात्र 20 टेबलेट खाए हैं, तो इसकी जानकारी अभी भी बहुत सेविका और बहुत लाभुक को नहीं है, यानी कि धरातल स्तर पर लाभुक को भी पर इसमें प्रशिक्षण देने की जरूरत है और आयोजन करके उनको भी जानकारी देने की आवश्यकता है। एक और बात मैडम ने बोली है कि कोरोना जो COVID-19 आया था उसके पहले जो लगता था इसका नाम था पोषण मेला, कोरोना पीरियड के बाद में इसको बदल के पोषण परामर्श केंद्र कर दिया गया, तो हम इसके बारे में दो शब्द जानेंगे कि आखिर पोषण मेला और पोषण परामर्श केंद्र में क्या अंतर है और उसको क्यों लाया गया। पोषण मेला 1 दिन 2 दिन रहता था,
उसमें कम मतलब एक ही दिन दो दिन हम लोग जागरूक कर पाते थे, और इसमें पोषण परामर्श केंद्र जो एक महीने के लिए आयोजित करने का निर्देश है, ताकि प्रतिदिन कर जितना भी अधिक से अधिक लाभुक को बुला के उसको जानकारी दे सकें, पारंपरिक भोजन हो या जितने भी प्रकार के पोषण से संबंधित जानकारी है। इसके अलावा इस बार किचन गार्डन का भी ज़्यादा आयोजन मतलब उसको बढ़ावा देने के लिए बोला गया है, या तो पोषण वाटिका। और ये कोई जरूरी नहीं है कि केंद्र पे ही पोषण वाटिका किचन का गार्डन लगाना है, वो सभी के घर में और जहाँ जगह है अपने कोई भी लाभुक या कोई भी पब्लिक है वो अपना पोषण वाटिका या किचन गार्डन बना के वो बना के उसका यूज कर सकते हैं। सब्जी हो या कोई भी किसी भी प्रकार सब्जी हो, धनिया पत्ता हो, मिर्ची हो या आलू हो, प्याज हो, कुछ भी लगा के वो अपना पोषण वाटिका का लगा के उसका यूज कर सकते हैं, ताकि वो जो उसको चाहिए विटामिन ए या आयरन या ये मिनरल वो सब उससे मिल पाए। इसीलिए पोषण वाटिका और किचन गार्डन पे ज्यादा इस पे फोकस दिया गया। एक बात मैडम ने कही कि पोषण मेला जो आयोजन होता था वो दो तीन दिन के लिए, लेकिन पोषण परामर्श केंद्र जो आयोजित होता है वो पूरे माह के लिए। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो ये बात जान लीजिए कि इस माह पोषण परामर्श केंद्र हर ब्लॉक में हर जगह लगा है। आपको पोषण से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या, किसी भी प्रकार का सुझाव चाहिए तो आप हर ब्लॉक के ICDS कार्यालय में जा कर के वहाँ पोषण से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मैडम ये बताइए गोद भराई क्यों आयोजित किया जाता है? गोद भराई इसलिए आयोजित की जाती है कि वो इसीलिए कि स्वास्थ्य संबंधित उसको जानकारी देना और खान पान पे के बारे में जानकारी देना, कि ताकि वो अभी भी बहुत सारी गर्भवती आयरन की गोली 180 लेना चाहिए और नहीं ले पा रही है। एक चीज़ और मैडम जो बोल रही है वो चीज़ फोकस करने वाली बात है जो पब्लिक में नहीं है। मैडम बोल रही हैं कि आयरन की गोली कम से कम गर्भवती को 180 खाना चाहिए, लेकिन पब्लिक में क्या है कि 10-20 मैडम ने जो पिछला बताया कि कहीं पे आप गए थी मैडम, वहाँ पे 20 ही मिला। हाँ, आज गए थे एक जगह तो वहाँ एक गर्भवती का यही कार्यक्रम में वो बोली मात्र 20 खाए, वो छठा महीना था, जबकि उनको 100 लगभग खा लेना चाहिए था। और एक और भी जानकारी दे रहे हैं कि बच्चे होने के पूर्व 180 आयरन टेबलेट, अब बच्चे होने के बाद भी 180 आयरन टेबलेट खाना है। एक और जानकारी देख लीजिए निकल के कि बच्चा है तब तक आप क्योर नहीं करिए, बच्चा होने के बाद भी यानी 180 मतलब कि 6 माह तक आप इसका जरूरी से जरूरी पालन करिए कि आप आयरन की गोली 6 माह पहले भी और 6 माह बाद में भी आयोजित करिए। ठीक है मैडम, अब पोषण परामर्श केंद्र का आयोजन किया जाए, थोड़ा सा हम लोग लेंगे, महिला पर्चिका भी यहाँ पे है, तो इनके द्वारा जो पंचायत में आयोजन किया गया है उसको क्या किया गया है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। दो शब्द आप बताइए अपने पंचायत लेवल पर पोषण परामर्श केंद्र आयोजित की है उसमें लाभुकों को क्या समस्या आई, उसके लिए आप क्या निदान दें? पोषण परामर्श केंद्र पंचायत वर्ग में हम लोग पोषण खाने के बारे में तो बताए ही हैं, उनको पौष्टिक आयरन की गोली हुआ, पौष्टिक आहार हुआ, साथ ही साथ हम लोग एक PMVBY के बारे में भी बताए हैं। PMVY की जानकारी दी या जाके वहाँ पे PMVY के अंतर्गत जो लाभुक को है प्रथम बच्चा को 5,000 रुपया मिलता है, वो 3 किस्त में मिलता है। साथ ही इन्होंने भी अपने पंचायत स्तर पर जो आयोजन किया है उनके बारे में। चलिए दूसरे महिला पर्चिका से मिलते हैं, इनके द्वारा क्या आयोजन किया गया, आप अपना पंचायत में आयोजित किए हैं पोषण परामर्श केंद्र? यहाँ पे कन्या उत्थान के बारे में बताया गया, कन्या उत्थान के बारे में भी जानकारी दी गई पोषण परामर्श केंद्र पर आयोजित हुआ गया। एक और महिला पर्चिका यहाँ पे है, इनसे भी थोड़ा सा बैठ लेंगे, ये अभी तत्काल अपना केंद्र पोषण परामर्श केंद्र आयोजित करके आ रही हैं, तो इनके साथ आज कुछ समस्या अगर मिली है तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे, साथ ही थोड़ा सा और हम लोग विस्तार में आपको बताएंगे कुछ बातें, बने रहिए वीडियो में। हम एक जगह अभी लगा के आ रहे हैं पोषण परामर्श केंद्र, मेरे भी आंगनबाड़ी केंद्र पे लगा था, तो उसमें है कि एक चीज़ हम बताना चाहेंगे कि जो हेल्थ विभाग से है हम लोगों को जो मिलना चाहिए आयरन की गोली वो नहीं मिल पाती है, यही उन लोग का समस्या था, लेकिन इस समस्या का हम लोग जो है निदान करेंगे, समाधान करेंगे। उसके बाद हम लोग वहाँ बताए कि सेविका को जो है पोषक क्षेत्र में अपने पोषक क्षेत्र में
उन लोगों को जो है गोद भराई का कार्यक्रम करना है जो हर माह के 7 तारीख को, और अन्नप्राशन जो है हर महीने के 19 तारीख को करना है। तो सेविका को ये बात बताया गया है पहले भी और फिर आज भी बताया जा रहा है कि सेविका जो है बहुत बढ़िया से उत्सवी माहौल में इसको करें, ताकि जो गांव के ग्रामीण लोग हैं उसको देखें और देख के कुछ जो है सीखें, अपने घर में भी इसको करें। एक चीज़ मैडम ने अभी बोला कि जो आयरन की गोली है उसमें जो कमी होती है वो स्वास्थ्य विभाग से, अगर स्वास्थ्य विभाग के लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरा अनुरोध रहेगा कि आप ICDS से समन्वय स्थापित करके ससमय उनको आयरन की गोली दे, क्योंकि धरातल पर जो कार्य करती हैं वो सेविकाएं ही काम करती हैं और उन्हीं को इस समस्याओं का निदान मालूम होता है, उन्हीं द्वारा किया जाता है। थोड़ी सी हम लोग फोकस करेंगे सेविकाओं के तरफ कि कौन संचालन करती है, उसमें किसी भी प्रकार की समस्या, किसी भी प्रकार की जानकारी देने से लाभुक कोई वंचित है, या लाभुक को आप कैसे लाभान्वित करती हैं, कैसे उसको सूचना देती हैं, उसके बारे में हमको बताइए। उनके घर जा जा के हम लोग बताते हैं कि आज THR है या गर्भवती को गोद भराई करना है, बच्चों को अन्नप्राशन करना है, यही सब जाके लाभुक को समझाते हैं। यानी कि इनके द्वारा देखिए कितनी मेहनत की जाती है सेविकाओं द्वारा, घर घर जा कर के बताया जाता है कि आज ये वर्क है और ये वर्क हमको आज संपादित करना है, उसमें आप सहयोग करिए। मेरा भी अनुरोध है कि आप सेविकाओं द्वारा दी गई सूचना में सहयोग करिए, आपके सहयोग से ही समाज का सफल संचालन हो सकता है, समाज आगे बढ़ सकता है। अगर कुपोषित अति कुपोषित हैं तो कहीं ना कहीं सेविका के साथ समाज भी दोषी है, क्योंकि वो सेविकाओं के पास ले जाएंगे तो सेविका ज़रूर से ज़रूर उसका समाधान बताएंगी। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं और पोषण मेला का आयोजन देखेंगे आप। चलिए मैडम आगे हम लोग पोषण परामर्श केंद्र शुरू किया जाए थोड़ा सा। ये गोद भराई की रस्म CDPO मैडम कर रही हैं। अच्छा मैडम का नाम अभी तक नहीं बेटा, मैडम का नाम जो है श्रीमती कुमारी देवमणि है, ये बाल विकास योजना कार्यालय एकमा की पदाधिकारी हैं। इनके द्वारा गोद भराई का आयोजन किया जा रहा है आज पोषण परामर्श केंद्र में। देख सकते हैं आप कितनी सुविधाएं ICDS दे रही है, तो ये सुविधाओं को हम यही अनुरोध करेंगे कि आप भी ICDS से लाभान्वित होइए, आप भी ICDS का दिए गए सुविधाओं का उपभोग करिए। अभी देखिए अन्नप्राशन का आयोजन हो रहा है, मैडम द्वारा बच्चे को अन्न उपभोग कराया जा रहा है, अन्न का दाना खिलाया जा रहा है। 6 माह का बच्चा जो हो जाता है उसको अन्नप्राशन दिवस आयोजित कर। अन्नप्राशन का भी बहुत बड़ा महत्व है, इसके बारे में देखिए। अन्नप्राशन इसलिए आयोजित, अन्नप्राशन जो नाम है वो अन्नप्राशन संस्कार है, इससे संस्कार आते हैं बच्चे में। जो फर्स्ट दिन उनको भोजन दिया जाता है बच्चे को, तो वो संस्कार दिया जाता है, इसको अन्नप्राशन संस्कार कहा जाता है। तो अन्नप्राशन संस्कार भी बच्चे को ICDS द्वारा ही आयोजित किया जाता है। ये जो आयोजन होता है वो हर माह के 19 तारीख को आयोजित किया जाता है अन्नप्राशन दिवस, और इससे बच्चे में संस्कार आते हैं। ये बच्चे में संस्कार भरने के लिए अन्नप्राशन दिवस जो ICDS नाम दिया है, इसका मूल नाम है अन्नप्राशन संस्कार, और इसमें संस्कार भरा जाता है बच्चों में। ये देखिए सजाया गया है पोषण परामर्श केंद्र, सेविकाओं का भीड़, कितने हर्षोल्लास से सभी लोग भाग ले रही हैं इसमें, सभी सेविका इसमें मौजूद है। तो वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को, मिलते हैं अगले वीडियो में, फिर देखेंगे कहीं पे कोई ओकेजन लाएंगे आपको। बने रहिए मेरे चैनल पर, अभी पहली बार विजिट किए हैं कृपया मेरे चैनल पर, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और दूसरे सेविकाओं के व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दीजिए।